हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, एंड दैट इज हाउ टू मेक योर जर्मन शेपर्ड हेल्दी। ये चीज़ बहुत लोग पूछते हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग जर्मन शेपर्ड रखते हैं उनको इस बात का पता है कि जर्मन शेपर्ड को मोटा करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जर्मन शेपर्ड एक एथलेटिक टाइप की डॉग ब्रीड होती है जो कि काफ़ी लीन बॉडी होती है। इसकी हाइट भी काफ़ी टॉल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स, जिसकी वजह से इस डॉग ब्रीड को मोटा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने जर्मन शेपर्ड को ईजिली हेल्दी कर सकते हो, मस्कुलर बना सकते हो और बाकी जर्मन शेपर्ड से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सो गाइज ये चीज़ कैसे पॉसिबल है इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप ईजिली 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने जर्मन शेपर्ड को काफ़ी मस्कुलर बना सकते हो। तो ये क्या चीज़ें हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब। अगर ये कंटेंट आपको समझ में आए, आपके काम आए, आपका डॉग इससे हेल्दी हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जर्मन शेपर्ड को हेल्दी और मस्कुलर बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपने करना है दैट इज डिवॉर्मिंग। अगर आपने अपने डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं की तो सबसे पहली चीज़ आपने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने डॉग पे कितनी भी महंगी डाइट लगा लो, कितनी भी एक्सरसाइज करवा लो, लेकिन अगर आप उसकी डिवॉर्मिंग पहले नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ उस पर असर नहीं करेगी, सारी चीज़ें वेस्ट जाएंगी। तो अगर आप ये चाहते हो आपका पैसा वेस्ट ना हो सो प्लीज़ सबसे पहले डिवॉर्मिंग करो। डिवॉर्मिंग कैसे करनी है उसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, फिर भी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिवॉर्मिंग के लिए टैबलेट्स मिलती हैं मार्केट में, बहुत से सीरप्स अवेलेबल हैं, टैबलेट्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी पसंद आए मार्केट में आप जाके लें और अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करें। आई रिकमेंड यू प्रेफरेंट टैबलेट इज़ द बेस्ट वन। उसको डॉग के वेट के हिसाब से दिया जाता है, एक टैबलेट 10 kg वेट के हिसाब से दी जाती है। तो जितने भी किलो का आपका डॉग है उतनी टैबलेट उसको दें और उसकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी और आपका डॉग बिल्कुल रेडी हो जाएगा मस्कुलर और हेल्दी बनने के लिए। सो गाइस सेकंड चीज़ डिवॉर्मिंग करने के बाद जो आपने करनी है दैट इज़ प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड। काफ़ी लोग अपने जर्मन शेपर्ड को रॉ मीट देते हैं, घर का खाना देते हैं और कहते हैं यार क्यों नहीं हमारे डॉग पे वो वाले इफेक्ट्स आ रहे जो हम देखना चाह रहे हैं। सो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉग फूड के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डॉग की बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। जो हम खाना अपने डॉग को दे रहे हैं घर का, जो कि रॉ मीट है, रोटी है या पराठा उसको दे रहे हैं, वो चीज़ें डॉग को इतनी जल्दी नहीं लगती जितनी जल्दी प्रीमियम क्वालिटी के डॉग फूड असर करते हैं डॉग की बॉडी के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट्स मिले और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले देन आई रिकमेंड यू कि प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड लेके आओ। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, जो भी आपको मार्केट में अच्छा लगता है आपके अपने हिसाब से वो लेके आओ, अपने डॉग को दो। लेकिन डॉग फूड देने के साथ साथ आपने उसको रॉ मीट देना बंद नहीं करना। रॉ मीट भी आप उसको साथ दें, उसके साथ पराठा भी ऐड करें। गर्मियों में सिर्फ आपने डॉग फूड की क्वांटिटी काफ़ी कम रखनी है क्योंकि गर्मियों में डॉग फूड को हज़म नहीं कर पाता, क्योंकि डॉग फूड गर्म होता है इसलिए अक्सर वो वॉमिट कर देते हैं डॉग फूड खाने के बाद। तो गर्मियों में आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना देना है, लेकिन एक स्कूप उसको डॉग फूड का भी देना है उसके साथ साथ, वो भी शाम के टाइम में जो कि काफ़ी ठंडा टाइम होता है और डॉग ईजिली डॉग फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। सो गाइस डॉग फूड और रॉ मीट को अपने डॉग की डाइट में ऐड करने के साथ साथ आपने अपने डॉग को पराठा भी देना है। पराठा हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में सबको पता है क्या होता है। पराठा इजीली आप अपने डॉग को दे सकते हो क्योंकि उससे काफ़ी जल्दी डॉग वेट गेन करता है और काफ़ी फैट उसके अंदर आते हैं। सो गाइस ये चीज़ें जब आप अपने डॉग को दोगे, मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट बता देता हूँ कि आपने प्रीमियम क्वालिटी का डॉग फूड भी देना है, उसको चिकन भी देना है साथ में, और साथ में आपने उसको पराठा देना है या उसको चावल देने हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन आई रिकमेंड यू कि आप चावल उसको सुबह के टाइम में दें और रात के टाइम में आप उसको पराठा दें। ये स्पेशली गर्मी की बात मैं कर रहा हूँ, सर्दियों में अपने डॉग को कुछ भी दे सकते हो, वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आपको शेड्यूल को साथ लेके चलना पड़ेगा। सो गाइस जो थर्ड चीज़ आपने करनी है, ये सारी चीज़ें करने के बाद डिवॉर्मिंग कर ली आपने, अब आपने डॉग को अच्छा क्वालिटी का डॉग फूड भी दे रहे हो, रॉ मीट भी दे रहे हो, अब आपने जो तीसरी चीज़ करनी है इन सारी चीज़ों के बाद दैट इज़ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, लाइक टेकिंग योर डॉग फॉर अ वॉक, उसको रनिंग करवाओ, बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन आई रिकमेंड यू आपने अपने जर्मन शेपर्ड को सिर्फ पुलिंग एक्सरसाइज करवानी है। पुलिंग एक्सरसाइज में क्या आता है, आप अपने डॉग को किसी ग्राउंड वाले एरिया में लेके जाओ, किसी लार्ज स्पेस में लेके जाओ, वहाँ पे अपने डॉग के पीछे कोई हैवी चीज़ बांधो और अपने डॉग को उसको पुल करने के लिए बोलो।
ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है स्पेशली फॉर जर्मन शेपर्ड्स, क्योंकि जर्मन शेपर्ड को मोटा करना इजी नहीं होता। अगर आप इसको ये सारी चीज़ें खिला के वॉक या रनिंग करवाओगे, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि ऐसा ना करना, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे आपका डॉग वेट गेन नहीं करेगा। पुलिंग एक्सरसाइज से जर्मन शेपर्ड के मसल्स, जो उसके फ्रंट मसल्स होते हैं, जो उसके चेस्ट के शोल्डर्स के मसल्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं और ये सारे वर्किंग में आ जाते हैं। जब आप इसको ये एक्सरसाइज करवाओगे तो जो डाइट आप इसको दे रहे हो वो सारी इसकी चेस्ट मसल्स और इसके शोल्डर मसल्स पे लगेंगे जाके, जो कि बहुत इफेक्टिव होंगे आपके जर्मन शेपर्ड के लिए। आपका जर्मन शेपर्ड नेक्स्ट लेवल पे तभी जाएगा जब आप उसको ये तीनों चीज़ें करवाओगे। अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद भी आपके जर्मन शेपर्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, देन आई रिकमेंड यू कि आप अपने जर्मन शेपर्ड को वेट के पास लेके जाओ, उसका कंप्लीट चेकअप कराओ, उसके बाद ही आप ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करो। सो गाइज, ये तीन चीज़ें हैं अगर आप अपने GSD के साथ करते हो तो 110% आपका डॉग मस्क्यूलर हो जाएगा और काफ़ी अच्छी हेल्थ में आ जाएगा। सो गाइज, अब काफ़ी लोग ये चीज़ पूछेंगे कि यार ये तो एडल्ट डॉग की आप बात कर रहे हो, हम पपीज़ के साथ क्या करें? सो गाइज, पपीज़ के लिए मोस्टली डॉग फूड ही होता है, रॉयल कैनन का मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। आप अपने पपीज़ को बचपन से वही दें, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं स्पेशली फॉर जर्मन शेपर्ड बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसमें अगर आप उसको प्रॉपर डाइट नहीं दोगे, जो कि न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को चाहिए हैं वो नहीं मिलेंगे, तो आप जितनी भी मेहनत कर लो अपने डॉग के ऊपर वो सारी वेस्ट है आफ्टर 6 मंथ्स। तो शुरू के 6 मंथ्स में जो भी करना है आपने करना है, उसके अलावा उसके बाद मेहनत करना बेकार है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।